आरजेस परुण एंड यू आर लिसनिंग 89.6 रेडियो गवा। ये वो जगह है जहाँ पर बोर्डम को कहते हैं बाय बाय, एंटरटेनमेंट को कहते हैं हेलो हाय। तो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आज की शाम की महफिल में, जहाँ हम आपको ले चलते हैं बॉलीवुड से भरे नई बातें, जज्बात से भरे बातें और एनर्जेटिक बातें, इंस्पिरेशनल बातें। साथ ही हम करेंगे शेरो शायरी जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो शुरू हो जाइए आज की शाम की सफर में उड़न भरने के लिए। सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाने, मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। बने रहिए मेरे साथ यानी अर्जित पाडवान के साथ, सुनते रहिए 89.6 रेडियो गावा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। Good afternoon, everybody. This is Sangeeta Saxena, Editor, Aviation and Defense Universe, getting you live from Karo in Ladakh. We are at the community radio station, and this is within the military station of Karo. And wonderful friends, the station is 89.6 FM. And here, you know, it says Muskurate Raho or Gungunate Raho. And hamare saath hain do RJs. And being a woman, I have this special, अट्रैक्शन फॉर विमेन मैनिंग। एंड ये दो लड़कियाँ जो आपको दिख रही हैं, बहुत छोटी सी, बहुत यंग सी हैं, बट जब ये माइक के पीछे होती हैं तो ये बहुत गजब की बातें करती हैं। और अब आप देखेंगे, वी हैव हियर विद अस आरजे डोलमा एंड वी हैव विद अस आरजे पद्मा। वेलकम डोलमा एंड पद्मा टू एडियोस चैट रूम। तो आप लोग क्या करती हैं यहाँ? मैम, यहाँ पे हम तीन चार आरजे से, जो कि मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मेरा शो चलता है, और मेरा शो का नाम है मॉर्निंग बिंदास शो। और मैं हमेशा रोज रोड अपडेट देती हूँ, हाईवे अपडेट देती हूँ, और मैं वेदर अपडेट देती हूँ, और जो रोज का क्या बोलता है स्पेशल डेट आता है, मैं उसका उसके बारे में कुछ जानकारी लोगों को बताती हूँ। और उसके बाद शेरो शायरी हो जाता है, कुछ चुटकुले हो जाते हैं। और गाने सुनाती हैं कि नहीं? हाँ, जब मौसम अच्छा हो तो हम गाने का मन कहता है तो हम कुछ गा लेते हैं। अच्छा, और फिल्मी गाने सुनाती भी हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत। और आप क्या करती हैं पद्मा? मैं भी आर्मीज के लिए बहुत गाने चलाती हूँ, ज्यादातर मैं आर्मीज के बारे में बोलती हूँ, तो बस, और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी। अच्छा, और बाकी इस, आप 12 महीने यहाँ तो बहुत स्नो होती है, तो जब स्नो होती है तब भी आप लोग आती हैं, या जब सिर्फ ऐसा मौसम होता है जब बर्फ नहीं होती है? जब बर्फ होती है तब आप इस स्टेशन को कैसे मैनेज करती हैं आप लोग आरजेज हैं? एक्चुअली मैम, आजकल हम बहुत दूर से ले से मार्केट से हम यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। अच्छा। और जब विंटर पड़ने पर हम यही पे शिफ्ट हो जाता है मैम, ये खारू बाजार में हम वहाँ पे रूम रेंट पे लेते हैं, फिर हम वहीं पे बैठ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, फिर वहाँ से हम पैदल यहाँ आ जाते हैं। तो आपका स्टेशन, आप 12 महीने आती हैं? हाँ जी मैम। वेरी नाइस। और बाकी यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, तो उसके लिए आप लोग प्रोग्राम चॉकआउट करते हैं, तो कैसे चॉकआउट करते हैं, क्या सोच के करते हैं कि कैसे करना है, हमें अपडेटेड कैसे रखना है उन्हें? तो जैसे कि जैसे कोई इवेंट होता है तो उसको आप कवर करती हैं? और नेशनल इवेंट हुआ, जैसे इंडिपेंडेंस डे हुआ, रिपब्लिक डे हो गया, कुछ हो गया, तो हर तरीके के इवेंट कवर करती हैं ना आप लोग? एक्चुअली उस इवेंट पे हमें 26 जनवरी को हमें छुट्टी होता है, 15 अगस्त को हम छुट्टी होता है, तो उससे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके पहले रिकॉर्डिंग करके तो उसके बारे में बताते हैं। और यहाँ पे टीचर डे होता है तो हम वहाँ पे भी कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। और गुडविल स्कूल के लिए, आर्मी गुडविल स्कूल के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? और भी गुडविल स्कूल के लिए चिल्ड्रन प्रोग्राम करते हैं मैम। तो बच्चे करते हैं यहाँ के? हाँ, बच्चे हाँ, कुछ करते हैं? हाँ जी, वो खुद अपना प्रोग्राम करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, कविता, कुछ अपने फेवरेट गाना, तो कोई चीज करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच डोलमैन पद्मा, वंडरफुल स्पीकिंग विथ यू। और ऐसे ही करते रहिए, और यहाँ के बच्चों को इन्वॉल्व रखिए, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व रखिए, और बॉलीवुड के गाने जरूर सुनाइए। मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर देना चाहती हूँ जिससे आप सब बहुत खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन में आने वाले है लद्दाख के सबसे बड़े फेस्टिवल, जो कि लद्दाख फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, ये फेस्टिवल शुरू हो रहा है 21
तारीख से 24 तारीख तक इसी सितंबर में।